तो हर कोई अपने आप मतलब अपने तरीके से हर किसी को समझाने की कोशिश करता है, अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। अब लास्ट 24 आवर के अंदर दोस्तों 420 मिलियन डॉलर का, मतलब कैश तो नहीं अगर मैं बात करूँ फिएट करेंसी, या फिर 15,500 BTC का आउटफ्लो हुआ है, वो कहाँ से? बाइनांस का प्लेटफॉर्म से। आज के वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ओगी एनू बात करेंगे, कार्डानो पॉलीगन मैटिक बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर BNB ऑन क्या कुछ चल रहा है पूरी क्रिप्टो मार्केट में, 13 तारीख को FOMC मीटिंग या फिर फेड का अनाउंसमेंट को छोड़ के बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट आने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं मार्केट का रुख और भी यहां पर खराब हो सकता है। डिटेल में देखेंगे क्या कुछ अपडेट से क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए दोस्तों नए तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं 13 तारीख से। अब 13 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है जिससे कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव या फिर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, एंड जहां तक चांस है कि 13 तारीख को काफी नेगेटिव इंपैक्ट आए, क्योंकि 13 तारीख को CPI डेटा आएगा, 14 तारीख को वो आएगा, लेकिन 13 तारीख को है यहां पर क्रिप्टो करेंसी को लेके एक जुडिफिशियल डिसीजन लिया जाएगा US गवर्नमेंट की तरफ से, एंड जहां पर 13 तारीख को यहां पर हायरिंग का डिसीजन दिया जाएगा कि कौन कौन क्या करेगा, मतलब कब इसका डेट निकल जाएगा, कौन रहेगा इसका ड्यूरिफिक्शन एरिया में, मतलब स्टेटमेंट देने के लिए क्या कुछ होगा, हर एक डिटेल के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। जो कहीं ना कहीं अगर बात करोगे 13 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होगा क्रिप्टो करेंसी के लिए। फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, तो उससे पहले आगे बढ़ेंगे यहाँ पर मतलब क्या कुछ चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रोवनिट ने दोस्तों 3 टोकन को डीलिस्ट किए हैं, एंड ऑब्वियसली आपने ये देखा भी होगा, सोलाना पॉलीगन मैटिक एंड कार्डानो। अब यहाँ पर रोवनिट का डीलिस्टिंग से क्या ज़्यादा यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि रोवनिट जैसा एक्सचेंज का डीलिस्टिंग से कोई ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन तीनों कॉइन पे देखने मिलेगा, जो मतलब इसका न्यूज़ से जो नेगेटिव इंपैक्ट ऑलरेडी आना था वो आ चुका है। अब फॉलो करके दोस्तों मार्केट का कंडीशन बिटकॉइन एंड BNB, एंड सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर आपको BNB पे दिखेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ दोस्तों लास्ट 24 आवर के अंदर अगर आप देखोगे सोलाना कार्डानो पॉलीगन ये आपको 9, 10, 8, 7 इस रैंक पे दिखेगा, वेयर एज अगर हम बात करेंगे यहाँ पर BNB की, तो BNB अभी भी रैंक 4 पे है, लेकिन BNB का प्राइस काफ़ी नेगेटिव हो चुका है, 256 डॉलर के आसपास आ चुका है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एंड शायद इससे भी नीचे जा सकता है। बट अगर आप देखो कि यहाँ पर पूरी क्रिप्टो मार्केट का सीन एंड सीनरियो क्या कुछ चल रहा है, तो 26,400 के आसपास बिटकॉइन है, एंड बिटकॉइन अगर बात करोगे बिटकॉइन शायद अभी तक गिर भी जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे बिटकॉइन का बहुत सारा यहाँ पर मतलब एक्सचेंज से बिटकॉइन निकल के कहाँ जा रहे हैं, लोगों के वॉलेट पे, एंड अगर मैं बात करूँ जैसे कि मैंने बताया कि 15,000 BTC यहाँ पर एक्सचेंज से निकला हुआ है, एंड अगर आप बात करोगे जो दूसरे कॉइन्स है जहाँ पर कि अभी लोगों को खतरा लग रहा है लाइक BNB, इन सबको कन्वर्ट करके भी वो कहाँ जा रहे हैं, बिटकॉइन पे, जिसके लिए बिटकॉइन अभी भी स्टेबलाइज है मार्केट पे। एंड अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन अगर स्टेबलाइज है, दैट मीन्स कि जितने सारे ऑल्ट्स कॉइन हैं उसमें भी आपको एक स्टेबल जोन देखेगा जब तक बिटकॉइन नहीं गिरता है, लेकिन BNB पे थोड़ा खतरा रहेगा, क्योंकि BNB रिलेट करता है यहाँ पर बाइनांस से, एंड बाइनांस कहीं ना कहीं रिलेट करता है बाइनांस US से, एंड बाइनांस US को लेके भी दोस्तों यहाँ पर अपडेट दी गई है कि बाइनांस US का जो फंड है एसेट है उसको यहाँ पर फ्रीज किया जाएगा, जिसका नोटिस यहाँ पर आप देख सकते हो, SEC फाइल द रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फ्रीज बाइनांस US एसेट। तो यहाँ पर बहुत जल्द शायद बाइनांस US का एसेट को भी फ्रीज करें, एंड ये न्यूज़ अगर आ गई सही में इसका एसेट को फ्रीज किए, तो BNB 210, 220, 230 के आसपास डेफिनेटली जाता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पर और क्या कुछ चल रहा है, तो जैसे कि हम बात करेंगे मतलब कुछ सपोर्टर भी है, जैसे कि देख सकते हो मतलब ब्रायन आर्मस्ट्रांग ये कॉइनबेस के CEO हैं, इन्होंने क्लियर कुछ बात कही है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है 2021 तक जो कुछ चल रहा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, एंड अभी जो कुछ चल रहा है दिस इज अ पूरी तरीके से बेसलेस, मतलब कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी कहीं पर भी उठा के किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगा दो एंड उस चीज़ को लेके यहाँ पर बात का बतंगड़ बनाओ, एंड वही चीज़ अगर आप बात करोगे बाइनांस ने भी अभी कल कहा था, एंड वही चीज़ अगर बात करोगे मतलब XRP रिपल, अगर बात करोगे XRP रिपल के CEO ने भी सेम थिंग यहाँ पर कहा कि जो FTX का डूबने का मेन वजह है अभी क्रिप्टो एक्सचेंज पे यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, पीछे का रीज़न क्या है, FTX में बहुत सारा, या फिर बात करूँ US गवर्नमेंट का, एंड US गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा भी आ रहा था, मतलब जो कैंपेन चलाने के लिए उनका, जो मतलब बात करेंगे जो इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए जो डूब गया, तो उसको देखते हुए US गवर्नमेंट कहीं ना कहीं दूसरे एक्सचेंज पे ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे और क्या कुछ अपडेट्स है, तो जैसे कि मैंने बताया 13 जून को काफ़ी क्रूशियल डे हो सकता है, एंड 68 आवर के अंदर 15,438 BTC निकला है, एंड लिक्विडेट हुए हैं बहुत सारे लोग, लिक्विडेट हुए हैं, एंड सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन इथेरियम पे हुआ है इस वक्त। एंड अगर मैं बात करूँ ओगी एनू को लेके क्या कुछ अपडेट्स है, पेपे कॉइन का क्या कुछ अपडेट्स है, तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे पेपे कॉइन की, तो सेक्टर नियर अबाउट 4% आज ड्रॉप के साथ है, एंड 10 के जोन पर आ चुका है, एंड ये फॉलो करते हुए लगभग
सात से आठ का जोन आपको जाता हुआ दिख सकता है। एंड डेफिनेटली अगर सात से आठ का जोन आपको जाता हुआ दिखे तो आप बिना झिझक के बिना टेंशन के कॉइन को उठा सकते हो और काफ़ी अच्छा तगड़ा बूम जाएगा। जब भी मार्केट रिकवर करने की कोशिश करता है तो पेपे आपको टॉप में दिखता हुआ दिखेगा। पिछले अगर बात करोगे 1 महीने से टॉप में पेपे कॉइन ही है जब भी मार्केट रिकवर करता है। एंड इसके साथ बात करेंगे दोस्तों ओगी इनू को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो ओगी इनू यहाँ पर अगर आप देखोगे अमेजन के साथ इनका शायद कुछ पार्टनरशिप होने जा रहा है, या फिर मैं बात करूँ और भी कुछ चीज़ें हैं जो आगे देखेंगे। जैसे कि देख सकते हो वगे नु यहाँ पर अपना लिक्विडिटी को लॉक करने जा रहा है। एंड यहाँ पर कम्युनिटी पे सवाल पूछा है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, एंड जिसको लेके यहाँ पर शायद मुझे लगता है 2 साल या फिर 5 साल का यहाँ पर लिक्विडिटी लॉक होगा। एंड लिक्विडिटी लॉक होने से ये क्या होगा, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ें हैं, लिक्विडिटी लॉक होगी तो लोगों के अंदर एक वो जो सिक्योरिटी फील होगा कि वगे इनू का लिक्विडिटी लॉक है, तो ये जो यहाँ पर जो क्रंच आता है अगर बात करोगे लिक्विड क्रंच तो वो नहीं आएगा। एंड डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा कि लोगों के अंदर एक पॉजिटिवनेस भरेगा। इससे फिलहाल के लिए एंट्री मत लेना, मार्केट कहाँ तक जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करेंगे और क्या अपडेट्स है, तो यहाँ पर एक वगे इनू को लेके यहाँ पर एक कार्ड देख सकते हो अमेजन वेबसाइट में यहाँ पर कुछ दिया है, एंड जिसको लेके हाय हेलो अमेजन भी कहा है। तो शायद बहुत जल्द वगे इनू का कुछ कार्ड आया जो कि हम अमेजन पर ट्रेड भी कर सके, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव होगा। एंड हुआ तो डेफिनेटली वगे इनू का प्राइस बढ़ सकता है। बाकी फिलहाल के लिए आराम से बैठिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बिना टेंशन के बैठिए, देखते हैं कल परसों मतलब 2-4 दिन वेट करते हैं क्या सिचुएशन है, उसके बाद हम प्रॉफिट निकालेंगे या फिर लॉस बुक करेंगे, वो तो आगे की बात होगी। क्योंकि अभी अगर हम हाथ डालेंगे तो डेफिनेटली लॉस बुक होगा। सो आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।